कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के 7 मई को खरगोन में होने वाली सभा में खटाखट कहेगा। नरेंद्र मोदी संविधान और आरक्षण को समाप्त कर सारे अधिकार अडानी जैसे अरबपतियों को दे देंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण, संविधान और गरीबों की रक्षा इन चुनावों का मुख्य मुद्दा है। खरगोन जिले के सिंगांव में नए संकल्प सभा में खरगोन और खंडवा के कांग्रेस प्रत्याशियों पोरलाल खरते और नरेंद्र पटेल के समर्थन में सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव संविधान और आरक्षण को बचाने का चुनाव है। देश के गरीब को जल, जंगल और रोजगार का अधिकार संविधान की किताब ने ही दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अगर संविधान खत्म हो गया तो आपके सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे। और उन्होंने आगे कहा कि जल, जंगल, जमीन, रिजर्वेशन, पब्लिक सेक्टर गायब हो जाएंगे और देश में 22-25 लोगों का राज हो जाएगा। ये अडानी जैसे लोग हैं जिनकी आंखें आपकी जमीन, जंगल पर है। ये चाहते हैं कि आपका जंगल, जमीन आपसे छीन लिया जाए और उनके हवाले कर दिया जाए। ये लोग नरेंद्र मोदी के खास मित्र हैं। उन्होंने जनता से पूछा कि आपने अडानी का नाम सुना है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट, पावर स्टेशन, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हीं के जैसे 20-25 लोगों को दे दिए हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर वार करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में आपको बेरोजगारी दी है। उन्होंने यहाँ से आदिवासी दूसरे प्रदेशों में पलायन करते हैं, किसानों को फसल के दाम भी नहीं दिए, महिलाओं की भी मदद नहीं की, लेकिन 22 सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। ये पैसा 24 साल की मनरेगा की राशि का पैसा है। कांग्रेस ने पेशा कानून, जमीन अधिग्रहण और ट्राइबल बिल ला करके आपका अधिकार आपको वापस किए थे। उन्होंने एक परिवार के एक महिला को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने तक के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने की योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें हम महिलाओं को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो पुरुषों से दोगुना काम करती हैं, हालांकि इसका फायदा पुरुषों को भी मिलेगा। अगर पुरुष 8 घंटे काम करता है तो हिंदुस्तान की महिला 8 घंटे मजदूरी करती है और फिर घर में 8 घंटे फिर से काम करती है। हाँ, तो ये जो महिलाएं हैं ये दुगना काम करती हैं, इसीलिए इनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए जाने वाला है। अब मैं जानता हूं कि पैसा उनके बैंक के अकाउंट में जाएगा, मगर इसका फायदा पुरुषों को भी होगा, मिलेगा। उनके बैंक अकाउंट में जाएगा मगर अंत में फायदा आपको भी होने वाला है। खटाखट। कल नरेंद्र मोदी आएंगे, उनके भाषण में बोलना खटाखट। उनसे कहना जो आपने अरबपतियों के लिए किया वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, खारगे जी, हिंदुस्तान के गरीबों के लिए करने जा रही है। उन्होंने 7 मई को खरगोन में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में खटाखट बोलने को कहा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से कहिएगा कि जो उन्होंने अरबपतियों के लिए काम किया है राहुल गांधी और कांग्रेस गरीबों के लिए करने जा रही है। पीएम मोदी ने अरबपतियों के लिए नोटबंदी और जीएसटी की गलत नीतियां लागू की है जिसके चलते क्षेत्र की कांटन इंडस्ट्री, छोटे और मध्यम व्यापारी खत्म हो गए। उनका 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा झूठा निकला। हम युवा ग्रेजुएट डिप्लोमा धारियों के लिए पहली नौकरी पक्की योजना ला रहे हैं जिसके तहत प्रत्येक युवा को ट्रेनिंग मिलेगी और प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे और अच्छा काम करने पर नौकरी पक्की कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, उन्हें भर दिया जाएगा। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।